देव माया से जो चुराया हुआ माल था वो महावीर के पास रखना, स्वयं ने गायब हो जाना है। अब जहां माल वहां चोर, और महावीर कहते नहीं कि मैंने चोरी करी नहीं। महावीर कहते नहीं कि मैंने चोरी नहीं करी। चोरी का इल्जाम, चोरी का प्रूफ और चोरी की सजा, लेकिन महावीर नहीं कहते कि देव माया है। इसलिए सुधर्मा स्वामी जम्बो स्वामी से कहते हैं कि तू परमात्मा की धीति की प्रशंसा कर, परमात्मा का धीरज जाना ही धम्मम च धैर्यम च पेही। तू परमात्मा के धर्म को जान और परमात्मा की धृति की प्रेक्षा कर, पेशेंस की प्रेक्षा कर, पेशेंस की तरफ देख, उनका क्या धीरज है, किस सीमा का धीरज है। और यदि परमात्मा महावीर के मन में वो संकल्प, मन इतना मजबूत था, एक पल के लिए मन में आता कि चले जा तो यहां से, तो संगम की हिम्मत नहीं थी वहां खड़ा रह जाए, कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। परमात्मा का मन इतना सशक्त था, इतना सामर्थ्यशाली था कि परमात्मा केवल मन में लाते हे चले जाए यहां से, तो संगम देव को भागना पड़ता था, लेकिन वो मन में लाया नहीं, लाया नहीं मन में। 6 महीने तक कभी चोर, कभी क्या, कभी क्या, कभी क्या, पढ़ते तो रोंगटे खड़े हो जाते। और आपकी तरफ देखता हूं तो तरस आती है कि जिस परमात्मा ने तुमको संकिति बनाने के लिए, धर्मी बनाने के लिए इतना तप तपा, उस परमात्मा को जानने की, समझने की, उनके चरणों में समर्पित होने की, उनको थैंक यू कहने की सोच अपने पास नहीं। सोचो जरा, एक बार जीसस सूली पर चढ़ा, कितनी बार चढ़ा है? यहां देखो ये 6 महीने की सारी लीला, इसके सामने तो सारे नाजी के अत्याचार भी फीके पड़ जाए। कोई देवता ऐसा दुष्ट बन करके किसी योगी को भ्रष्ट करने के लिए, मन में एक ही कि एक बार तो भी इसके मन में गुस्सा आना चाहिए, एक बार तो भी इसने कहना चाहिए बहुत हो गया भैया, तेरे से थक गया तो चला जा, एक बार तो भी इसने हार माननी चाहिए। लेकिन 6 महीने बीते, लेकिन महावीर की करुणा में, महावीर के वात्सल्य में, महावीर की साधना में, महावीर ने जो संकल्प किया था कि चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए, चाहे जैसी सिचुएशन आ जाए, मेरे मन में पाप की भावना का जन्म नहीं होगा, मेरे तन को पाप का स्पर्श नहीं होगा, मेरे वचन में किसी प्रकार का अशुभ वचन स्पर्श नहीं करेगा, सवम अकर्ण जम जोगम, कुछ भी नहीं होगा। वो संकल्प है और ये कसूटियां है। मेरे गुरुदेव फरमाते थे मिट्टी के ढेले की कसूटी लेने के लिए किसी की जरूरत ही नहीं, घन के घाव तो केवल पत्थर
स्तर पर ही आ सकते हैं। तराशा तो केवल डायमंड को ही जा सकता है, मिट्टी को ढेले के लिए हथौड़े की जरूरत क्या है? हवा का झोंका आ गया, बहुत हो गया। जरा देखो भला एक बार अपन कौन है। थोड़ा हवा का झोंका आ गया, निकल गए। और अगली बात कहो, ताश के पत्तों के महल को गिराने के लिए हवे के झोंके की भी जरूरत है? शायद अपने संकल्प भी ताश के पत्ते के महल जैसे ही है। उसको कोई बाहर से हवा का झोंका, वो अपने ही लोड से नीचे गिर जाता है, अपने ही लोड से नीचे गिर जाता है। और एक वो महावीर की कथा है, एक और परमात्मा प्रभु महावीर का उस साधना का जीवन है। इस दुष्ट दुनिया को सज्जन बनाने के लिए, एक पापी को धर्मी बनाने के लिए, जिस व्यक्ति ने अपना जीवन लगाया, उस व्यक्ति की साधना खंडित करने के लिए कि संगम देव 6 महीने तक अपनी पूरी शक्ति लगाता है। जिस गंदगी में रहना पसंद नहीं, उस गंदगी में 6 महीने रह जाता है। वानवेंतर देवता तो धरती पर रहते हैं, लेकिन वैमानिक देव समान ही नहीं उनका, उनको तो धरती सुहाती ही नहीं, उनको तो जी मचलता है। लेकिन एक बार किसी को बर्बाद करने का जुनून आ गया तो फिर आदमी उस बर्बादी को, गंदगी को भी झेलते ही चले जाता है, झेलते ही चले जाता है। हर गया संगम, थक गया संगम, हर गया संगम, थक गया संगम, हरा हुआ संगम फिर भी हार कबूल नहीं करता है, थका हुआ संगम फिर भी थकान कबूल नहीं करता है। आज तक आपने सुना है कि दुष्ट ने अपनी पराजय कबूल करी हो? सज्जन अपनी पराजय कबूल कर लेता है, लेकिन दुष्ट आदमी कभी अपनी हार कबूल नहीं करता है। हार गया था, थक गया था, समझ में आ गया था कि मैं जिंदगी भी बिता दूं तो कुछ नहीं कर सकता, इसने बड़ी मुश्किल से उसने निर्णय लिया। इस महावीर को झेलने के बजाय तो शक्रंद को झेलना आसान है। जो कुछ नहीं बोल रहा उसको झेलने के बजाय तो शक्रंद गुस्सा करेगा तो भी चलेगा। और उसने जैसे जाने की तैयारी करी और परमात्मा से कहने लगा, अब तुम आहार के लिए जा सकते हो, तुमको आहार मिल जाएगा, अब तुमको पानी मिल जाएगा, अब मैं तुम्हें कोई बाधा नहीं दूंगा, मैं जा रहा हूं। और परमात्मा के आंखों में पहली बार आंसू की बूंद झलक गई। किसी का प्रेम समझने के लिए भी दिल में प्रेम की आवश्यकता होती है, किसी का संयम समझने के लिए भी जीवन में संयम का साथ चखा हुआ रहना चाहिए, किसी की दानत समझने के लिए भी थोड़ी सी तो भी दानत स्वयं में होनी चाहिए। वो आंसू की बूंद झलकती हुई देख करके संगम खुश हो गया। अरे इस बूंद को देखने के लिए तो 6 महीने लगाए, और ये बूंद अब झलक रही है। और परमात्मा के शब्द प्रकाशित हुए हैं, संगम मेरा एक ही मन था, मेरा एक मेव प्रयास था,
कि मेरा तन लोगों को तिराने का माध्यम बने, मेरे मन के आलंबन से कोई तिर जाए, मेरे वचन के आलंबन से कोई तिर जाए, मेरी काया का निमित्त लेकर के किसी का पुण्य का बंध हो जाए। मैं नहीं चाहता था कि मेरी काया के निमित्त से किसी का पाप का बंध हो। तूने जो किया इसके परिणाम तू जो भुगतेगा, मैं तुझे बचा नहीं पाऊंगा। तेरे उस समय के दुखों पर ये आंसू की दो बूंद मेरी है कि मैं उस समय तेरे लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। तेरे कारण से मैं कहीं परेशान नहीं हुआ। तेरा कोई दुख मेरे अंदर नहीं पहुंचा है। मुझे तो केवल इतना देख रहा है कि 6 महीने जो तूने किया है वो जब परिणाम में आएगा, फल में आएगा, उस समय तू कितना दुखी होगा, उस समय तुझे कितनी पीड़ा होगी। उस पीड़ा को देख करके जो तू आज देख नहीं पा रहा, लेकिन मैं देख पा रहा हूं। तुझे वो पीड़ा नहीं दिख रही है, मुझे दिख रही है। और जिसको दिखेगा उसके ही आंखों में आंसू के बूंद आएगी। जिसको नहीं दिखता उसको तो उस समय आएंगे कि जिस समय आंसू पूछने के लिए हाथ भी नहीं होंगे। देखो आज दुनिया में नजर उठा करके कितने लोग हैं कि जिनको अपने आंखों के आंसू पूछने के लिए हाथ भी नहीं है। जो पांवों से खाना खाते हैं, आपने देखा नहीं देखा मुझे पता नहीं, मैं देख करके आया उन लोगों को कि जो पांव में चम्मच रख करके पांव ऊपर उठा करके मुंह के पास पहुंचा रहे, हाथ ही नहीं है। पता नहीं किस जन्म में इन्होंने संगम का कर्म बांधा होगा। ये है महावीर। सवाल फिर साथ में रखिए, किस लिए, किसका मोह, किसका मोह? जगत कल्याण का मोह हो सकता है? जगत कल्याण की भावना को मोह कह सकते हो? मैंने उत्तर दिया नहीं आपको। मैंने ये नहीं कहा कि जगत कल्याण का मोह है। कल्याण करने की भावना को मोह कहोगे तो फिर तो सारा धर्म ही समाप्त हो जाएगा। किसी का कल्याण करना ये मोह है? कल्याण करने की भावना ये मोह है? नथिंग। फिर तो मैं सबसे बड़ा मोही हो गया यहां पर। नथिंग, नहीं, इसको मोह नहीं कहते। 6 दिन का समय है तुम्हें उत्तर खोजते रहना है, है ना? कितने दिन का समय है? 6 दिन का समय तुम्हारे पास। उत्तर प्रश्न केवल इतना ही है, जितनों को पूछना है पूछ लेना, तुम सबको ओपन किताब अपने सारी बुक तुम पढ़ लेना है। जहां से तुमको उत्तर मिले वहां से ले आना है। कि मोह है तब तक केवल ज्ञान नहीं, और मोह हटा के केवल ज्ञान हो जाता है तो परमात्मा को 12.5 आसान किससे मोह था है? सिंपल सवाल है, है ना? सिंपल सवाल है। समझ में आ गया सवाल कि परमात्मा को 12.5 साल तक किससे मोह था?
किससे आसक्ति थी उनको, किसको पकड़ करके बैठे थे, घर छूटा, तन छूटा, है ना, दुख की परवाह नहीं, और किस सिवा का दुख फिर भी कुछ नहीं, फिर किसका मोह था, मोह था ये तो पक्का है ना, कोई ऑप्शन नहीं तुम्हारे पास, मोह तो था ही है ना, मोह नहीं रहता तो केवल ज्ञान हुई, केवल ज्ञान नहीं हुआ इसका मतलब मोह है ही है। अब वो खोजना है तुमको कि मोह किसका था, तुम खोजोगे ऐसा मोह मैं करता हूं, फिर एक बार ये बेंगलोर वाले जो कराए वो कम है ना, पहले वो 7 दिन की कथा हो गई और फिर वो हमारे पीछे लगे सुनील भाऊ, रमेश भाऊ, ज्ञानु भाऊ की मार साहब कथा, ये तो उसी दिन बात चली थी जब कथा का मंगल पाठ सुना, वो श्रावक जी पीछे बैठे, नाम मैंने पूछा नहीं कभी, उसी दिन उन्होंने कहा मार साहब कथा बंद मत करो, चलने दो आगे। बहुत लोगों ने कहा कथा चलने दो, लेकिन बाकी कमेंटमेंट्स, फिर बहुत चिंतन करने के बाद फिर एक बार महावीर कथा की समिति, गुरुआनंद समिति और आप लोगों का ये प्रेम, मैं तो चाहता ही हूं कि तुम महावीर कथा के पीछे पागल हो जाओ, यस, और मैं सच कहता हूं आपको, तुम जिस दिन महावीर के पीछे पागल हो जाओगे तुम महाविनाश से बच जाओगे। महावीर के पीछे जो जो पागल हो गया वो तिर गया, जो महावीर के पीछे पागल नहीं हो पाया वो डूब गया, ये गणित ऐसा है। और पागल होना तो तुम्हारे खून में है, पागल होना तुम्हारे खून में है, बस तुम कभी सत्ता के लिए पागल होते, कभी नाम के लिए पागल होते, कभी स्वार्थ के लिए पागल होते, कभी प्रसिद्धि के लिए पागल होते हैं। तो पागल होना तो तुम्हारे लिए नेचुरल है, कोई मैं नई बात तो नहीं कह रहा, मैं इतना ही कह रहा हूं तुम उसके लिए पागल हो रहे हो, और तुम सत्ता के पीछे कितने पागल हो जाओ, सत्ता तुम्हारे पीछे पागल होती नहीं। अरे प्यार करो तो उससे करो जो प्यार का रिप्लाई दे सके, इस पट्टे से प्यार करके क्या होगा, पट्टा कोई प्यार का रिप्लाई देने वाला नहीं है ना। मोहब्बत करो तो जो तुम्हारी मोहब्बत को समझ सके, और ऐसा कोई है तो एकमेव नाम, कौन सा, यस बोला जरा बंदनी से, हाँ हो जाओ इस महावीर के पीछे पागल, और तुमको पागल करने के लिए, महावीर के पीछे पागल करने के लिए कथा है, सयाना बनाना मेरा काम ही नहीं है, मैं तो चाहता हूं कि तुम महावीर के पीछे कैसे पागल हो जाओ, जैसे मेरा श्री कृष्ण के पीछे पागल हो, जैसे चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण के पीछे पागल हो गए, जैसे श्रील प्रभुपाद श्री कृष्ण के पीछे पागल हो गए, ऐसे महावीर के पीछे तुम पागल हो जाओ तो जिस ऊंचाई पर महावीर है उस ऊंचाई पर पहुंचते देर नहीं लगेगी। फिर एक बार